सख्ती दिखाई है। दरअसल पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। सामोद के रहने वाले हैं ये विकास बराला और प्रकाश जाट, ये सामोद के रहने वाले हैं। आरोपियों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की व्हाट्सएप पर लगा रखी थी डीपी और सामोद थाना पुलिस ने अब इन पर कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। यही दो शख्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों सामोद के रहने वाले, एक का नाम विकास बराला है, दूसरा का नाम प्रकाश जाट है। दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उन व्हाट्सएप पर उनकी डीपी लगा के रखी थी। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गैंगस्टर को फॉलो करना इनको महंगा पड़ गया। व्हाट्सएप की डीपी जो लगाते हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा के रखा था, उनको फॉलो कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा लाल खबर पर जुड़े हैं। हीरा लाल, गैंगस्टर को फॉलो करना इनको कहीं ना कहीं महंगा पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जिले भर में एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें सक्रिय गैंगस्टर रोबिनहुड पोस्ट को फॉलो करने वाले जो युवक हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस लगातार उन लोगों पे नजर रखती है जो गैंगस्टर और रोबिनहुड स्टाइल में जो लोग होते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसी के तहत सामोद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की फोटो को अपनी डीपी पे लगाकर पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद है जो पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही पुलिस ने अन्य युवकों को भी मैसेज दिया है कि जो भी गैंगस्टर है और जो है पोस्ट है उनको फॉलो नहीं करें, अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हीरा लाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए 12 से भी बड़ी खबर आपको बताते हैं। शहर में खुलेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, अंबेडकर सर्कल पर दो युवा के जो गुट है वो आपस में भिड़ गए, बीच सड़क मारपीट।